बॉलीवुड में डाकुओं पर अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ है। जी हाँ, मदर इंडिया से लेकर अनेक फिल्में ऐसी बनी हैं जिनमें डाकुओं के किरदार रहे। उनमें शोले मुख्य थी। शोले में हमने देखा कि किस तरह से गब्बर सिंह के पात्र को अमजद खान द्वारा निभाया गया था। एक उसी पैटर्न पर अब एक और फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। जी हाँ, 100 से ज्यादा मर्डर करने वाले और 550 डाकुओं के सरदार पूर्व डाकू पंचम सिंह पर एक फिल्म बन रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को बना रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम। और इस फिल्म में अन्याय के खिलाफ हथियार उठाने से लेकर इस तरह से पंचम सिंह की जिंदगी बदली और वे अध्यात्म की तरफ मुड़ गए, इसका चित्रण किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम सिंह अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और फिर वे डाकू बन गए। और डाकू बनने के बाद उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की। वे बहुत बड़े डाकुओं के सरदार भी माने जाते थे। इसके पश्चात उनके जीवन में बदलाव आया और वे गांधीवादी समाज सेवी डॉक्टर सुब्बाराव के संपर्क में भी आए और उसके बाद वे बन गए संत पंचम सिंह, यानी वाल्मीकि का कैरेक्टर पंचम सिंह में उतर आया। वाल्मीकि भी पहले डाकू थे और उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का निर्माण अनिल चौधरी द्वारा किया जा रहा है और जो परम ज्योति मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। पंचम सिंह के बारे में कहा जाता है उनके ऊपर 300 से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं, लेकिन अब वे प्रवचन देते हैं और लोगों को जिंदगी जीने का सही रास्ता बताते हैं। देखने वालों ये बात यही होगी कि ये फिल्म कितना प्रभाव बना पाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।